Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. I hope you all are doing well. Today we are going to start a very important topic of class 11, that is vector algebra. अभी टॉपिक बच्चा लोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके से फाउंडेशन ब्रिक का काम करता है फिजिक्स के लिए. आप जब तक फिजिक्स के साथ डील करोगे, यू हैव टू डील विद द वेक्टर्स. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सी फिजिकल क्वांटिटीज, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क फोर्स, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. इन फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. क्या है वो तीन कैटेगरीज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में. इसको एक हम डिवाइड करते हैं स्केलर्स में, स्केलर्स. अनदर वन इज वेक्टर्स एंड देन टेंसर्स. अब स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, टेंसर्स क्या है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है. हमारा जो मेन टॉपिक है वो वेक्टर्स का है, बट बिफोर दैट वी शुड नो ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. सी स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज that has only magnitude. यानी कि अगर आपको सिर्फ magnitude पता है तो उसके basis पे आप उस quantity के बारे में information दे सकते हो. Suppose 2 kg rice, तो 2 kg rice है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि rice east में है, west में है, south में, बताने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना बताना है कि 2 kg rice है, that's it. वो 2 kg rice यहाँ भी 2 kg है, कहीं और ले जाओ तो भी कितने हैं, 2 kg है. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है, दोस क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. आ रही है बात समझ? अगर एग्जांपल देखिए स्केलर क्वांटिटीज के, तो बहुत सारे हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर. इनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. 5 बज रहे हैं तो 5 बज रहे हैं, किस डायरेक्शन में बज रहे हैं वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो 45 डिग्री सेल्सियस ही है, बताने की जरूरत नहीं कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है. आ रही है बात समझ? लेंथ, डिस्टेंस भी इसी में आ जाता है, लेंथ, डिस्टेंस. आफ्टर दैट और अगर देखें स्केलर क्वांटिटीज, देन वर्क, एनर्जी. 50 जूल वर्क किया तो 50 जूल वर्क किया, किस डायरेक्शन में जाके किया दैट डज नॉट मैटर. सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. आ रही है बात समझ? अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो देखो बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है? सपोज अगर आप किसी को अपने घर का एड्रेस देते हो, कोई आपका फ्रेंड आपसे आपके घर का एड्रेस पूछता है, या सिर्फ इतना पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है. सपोज आपका घर यहाँ है और आपके फ्रेंड का घर यहाँ है, छोटा सा एग्जाम्पल है ये. अगर आपका घर या आपके फ्रेंड का घर यहाँ है तो आप उसे कैसे बताओगे कि मेरा घर तुम्हारे घर से 7 किलोमीटर है? तो 7 किलोमीटर तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. आप उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ बताओगे. आप क्या बोलोगे? माय हाउस इज 7 किलोमीटर्स इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तुम्हारे घर से मेरा जो घर है वो 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो सीधा यही आएगा. आ रही है बात समझ? थोड़ी थोड़ी. तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रही. So, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताने पड़ेंगे. अगर आप डायरेक्शन नहीं बता रहे तो आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्वांटिटी के बारे में. अगर फोर्स की बात करें तो एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले तो देखो, फोर्स अगर मैं इस मार्कर पे यहां से लगाऊं तो ये उस तरफ मूव कर रहा है, दूसरी साइड से फोर्स लगाऊं तो ये क्या कर रहा है, मेरी तरफ मूव कर रहा है. मैंने भले चाहे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया हो, बट डायरेक्शन चेंज करते ही रिजल्ट चेंज हो गया. अभी अगर यहां से लगाऊं तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यहां से फोर्स लगाऊं तो ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है. सो ऐसी क्वांटिटी जिनमें अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो इनका जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाता है. तो वो क्वांटिटीज किस में आती है? वेक्टर क्वांटिटीज में. तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो. सो दीज क्वांटिटीज आर बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज. बट वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ ये दो कंडीशंस इनफ नहीं है. आपको इन दो कंडीशंस के अलावा एक थर्ड कंडीशन और होती है जो नेसेसरीली फॉलो होनी चाहिए. अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तब भी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते. एंड व्हाट इज द थर्ड क्वांटिटी? द क्वांटिटी शुड ऑबे
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर ही ऐड होनी चाहिए। अब जैसे राइस के मामले में तो आपने बोला 2 kg राइस प्लस 3 kg राइस, आपने बोल दिया टोटल कितना 5 kg राइस आपने बोल दिया। लेकिन अगर बात करें फोर्स की, अगर बात करें फोर्स की, तो मैं इस बोर्ड पे अगर यहाँ पे 5 N फोर्स लगाऊं और अपवर्ड डायरेक्शन से 10 N फोर्स लगाऊं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि टोटल 50 N फोर्स हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हम उसको उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, वेक्टरली ऐड होती है ऐसी क्वांटिटीज, सो दे शुड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आ रही है बात समझ? अगर एग्जाम्पल देखिए वेक्टर क्वांटिटीज के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो था डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट, और हमने किसका एग्जाम्पल देखा फोर्स का, तो ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर यहां पे देखें तो स्केलर्स में स्पीड भी आप ऐड कर सकते हो। आगे बात समझ, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद ये जो थर्ड कैटेगरी आती है टेंसर्स, देखो बेटा ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो सकता है, मतलब जो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। बट अगर उनके पास डायरेक्शन है तो ऐसा होता है कि जब हम उनकी डायरेक्शन चेंज करते हो तो उनके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाता है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, हो सकता है थोड़ा रिजल्ट में चेंज आ सकता है बट मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, तो वो वेक्टर्स हैं। बट अगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनमें आप अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो उनके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, तो वो क्वांटिटीज किसके अंडर आती हैं, टेंसर्स के अंडर आती हैं। ये थोड़ा सा इनसे वेक्टर से थोड़ा सा अपर लेवल का टॉपिक हो जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ? अगर हम टेंसर क्वांटिटीज की बात करें तो इनके पास मैग्नीट्यूड मे हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा मे हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकते हो नहीं भी, मे हैव डायरेक्शन। बट इनमें एक और कंडीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर टेंसर के एग्जांपल्स देखें तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आपके एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, उसमें आप एक टर्म पढ़ोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी एक टेंसर क्वांटिटी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आ रही है बात समझ? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ क्या करते हैं कि इन टेंसर्स को भी वेक्टर्स में ही पढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, टेंसर्स की कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है तो उसको हमें उसी तरीके से पढ़ना भी पड़ता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस हो गया, ये भी आप पढ़ोगे, स्ट्रेन, ये क्या है टेंसर क्वांटिटीज हैं। आ रही है बात समझ? तो ये बेसिकली 3 categories में हम डिवाइड करते हैं, किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को। तो इनमें हमें किसको देखना है, वेक्टर्स को। बात करते हैं सिर्फ वेक्टर्स की। अब इतना तो आपको पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात आती है कि इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर आपको ए से बी तक जाना है, दिस इज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, सपोज आपको अगर इस पॉइंट बी की पोजीशन बतानी है, अगर इस पॉइंट बी की पोजीशन बतानी है तो आपको ए से कहां तक जाना पड़ेगा, बी तक जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है 20 degree है, तो आप किस तरीके से इस बी की पोजीशन बताओगे कि कितना डिस्प्लेस्ड है नॉर्थ डायरेक्शन से, 20 degree टू द ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से 20 degree शिफ्टेड है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी हो गई और इसका हम इसका पॉइंट की हमने क्या बता दी, पोजीशन भी बता दी। लेकिन अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ए बी को, हम इसको यहां अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी जर्नी ए टू बी, ए टू बी आपकी जर्नी है। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक स्ट्रेट लाइन एंड एरोहेड। एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एरोहेड। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसकी जो लेंथ होती है
लेंथ ऑफ एरो, एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, किसको रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, यानी कि अगर एक तो ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, तो जिनमें से जिसकी लेंथ ज्यादा आप बता सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं भी दे रखा फिर भी आप कंपेयर कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड कम है, जस्ट बिकॉज आपने लेंथ देखी है किसकी, इस एरो की। तो जो एरो की लेंथ है वो आपको क्या बताती है, मैग्नीट्यूड का आइडिया देती है। और जो एरो हेड है, एरो हेड ये आपको क्या देता है, डायरेक्शन, ये आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो देखो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो एरो हेड किस तरफ है, बी की तरफ है, एरो हेड किसकी तरफ है, बी की तरफ है। बट अगर आप बी से ए की तरफ आते, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो एरो हेड किसकी तरफ हो जाता, ए की तरफ हो जाता। अभी भी लेंथ सेम है, जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होगी। अब आप कहां से आ रहे हो, बी से ए की तरफ आ रहे हो। आ रही है बात समझ, थोड़ी थोड़ी वापस ए से बी को ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर इस ए बी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखो ए बी और उसके ऊपर क्या लगाओ, एक वेक्टर लगाओ, ए बी और उसके ऊपर क्या लगाओ, एक वेक्टर, ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर हम इसको एक सिंगल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको लिखा स्मॉल ए और उसके ऊपर वेक्टर, तो ये भी क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आ रही है बात समझ, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब देखो वेक्टर के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये सिर्फ बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं। और आप आज हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर्स के, एक भी टाइप को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में जिसमें अगर हमें बेसिक नॉलेज होता तो बहुत ही चुटकियों में हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टोटल कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक करके सबकी बात कर लेंगे। इक्वल वेक्टर्स, आफ्टर दैट को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, आफ्टर दैट कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, उसके बाद हमारा आ जाएगा नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, उसके बाद हमारा आ जाएगा पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, उसके बाद हम देख लेंगे एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, उसके बाद हम देख लेंगे यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद हम देख लेंगे पोजीशन वेक्टर, उसके बाद हम क्या देख लेंगे, पोजीशन वेक्टर, उसके बाद हम देख लेंगे बेस वेक्टर, बेस वेक्टर, उसके बाद हम देख लेंगे फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, उसके बाद नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। जब हम पढ़ेंगे तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर और पोलर वेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, पोलर वेक्टर्स। अब एक एक करके सब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इन वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर, सब देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, देखो बेटा कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। सपोज अगर मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, एक फोर्स लगाऊं एफ वन और दूसरा फोर्स लगाऊं एफ टू, दूसरा फोर्स क्या लगाऊं एफ टू,
अब देखो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, सपोज इसका भी 5 न्यूटन है और इसका भी क्या है 5 न्यूटन है, तो देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम है, टुवर्ड्स ईस्ट लग रहे हैं। तो देखो इनको अगर मैं यहाँ अलग से शिफ्ट करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5 न्यूटन 5 न्यूटन और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम है, ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर्स किस में आते हैं इक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें को इनिशियल वेक्टर्स, देखो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है सेम होता है, ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। सपोज ये कोई भी 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर इनका इनिशियल पॉइंट सेम है या एक ही पॉइंट पे ये क्या है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कैसे वेक्टर्स हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद अगर हम देखें को प्लेनर वेक्टर्स, जिस तरीके से को इनिशियल में एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर्स इनिशिएट होते हैं उसी तरीके से को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है सारे के सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में लाए करनी चाहिए। अब प्लेन का मतलब क्या हुआ, एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब हुआ या तो एक्स वाई प्लेन हो, या तो एक्स वाई प्लेन हो, या फिर एक्स जी प्लेन हो, वाई जी प्लेन हो, ये सारे प्लेन है ठीक है। तो अगर आप किसी भी 2 वेक्टर्स की बात करो, देखो अगर ये 2 वेक्टर्स हैं ठीक है, अगर मैं इन 2 वेक्टर्स की बात करूं तो इन 2 वेक्टर्स को अगर सपोज मैं इनकी कोई भी डायरेक्शन रखूं, कोई भी डायरेक्शन करूं, ये एक बोर्ड को या प्लेन मान लो, एक्स वाई प्लेन मान लो बोर्ड को, जी को हम हटा ही देते हैं, इसको मैंने क्या रखा एक प्लेन माना। तो देखो ये 2 वेक्टर्स देखो सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं, एक ही प्लेन में है, पीछे देखो बिल्कुल एक ही प्लेन पे है। अगर मैं इस डायरेक्शन में रखूं तो सपोज मेरे हैंड को ही प्लेन ले लो ठीक है, सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं। अगर मैं इनको ऐसे इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तब भी ये सेम प्लेन में लाइक कर रहे, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं। सो 2 वेक्टर्स हमेशा अगर वो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं सेम प्लेन में लाइक करते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, यानी कि जब तक 2 वेक्टर्स तक आप लिमिटेड रहते हो वो क्या रहते हैं कोप्लेनर रहते हैं। बट अगर किसी थर्ड वेक्टर की भी हम बात करें, किसी अगर थर्ड वेक्टर की अगर हम बात करें कि इनके साथ कोई तीसरा वेक्टर भी आ जाए, ये देखो तीसरा वेक्टर भी आ गया, तो क्या ये कोप्लेनर होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। किस केस में, सपोज अगर मैं इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रखूं, अगर मैं इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रखूं तो अभी क्या है, अगर मैं इनको देखूं तो ये तीन सब दो जो तीनों हैं सेम प्लेन में लाई करेंगे, किस में लाई करेंगे सेम प्लेन में लाई करेंगे। बट अगर मैं किसी एक की भी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर किसी मैंने एक वेक्टर को भी ऐसे कर दिया तो अब ये सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे, ये जो डस्टर और जो रेड मार्कर है ये तो सेम प्लेन में लाई करेंगे बट ये ब्लैक वाला ये सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करके कुछ इस तरीके से कर दूं, कुछ इस तरीके से कर दूं तब भी ये डस्टर और ये रेड वाला सेम प्लेन में लाई करेंगे बट ये ब्लैक वाला सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा। और अगर ये मान लो रेड और ब्लैक मार्कर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फिर ये डस्टर उनके साथ सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा। सो 3 वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर और कैन नॉट बी कोप्लेनर, डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, बट 2 वेक्टर हमेशा क्या होंगे कोप्लेनर होंगे, नेसेसरीली कोप्लेनर होंगे। आ रही है बात समझ, ओके कोप्लेनर समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं कोलीनियर वेक्टर्स की, किसकी बात करते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। देखो क्या होते हैं बेटे ये कोलीनियर वेक्टर्स, इनमें 2 तरीके की कंडीशन आ जाती है, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कैसे, सपोज मैंने ये कुछ वेक्टर्स ड्रॉ किए यहां पे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, इस तरीके से मैंने ये वेक्टर्स ड्रॉ किए।
इनमें सब में आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ए और बी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है, और ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी है। एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी है। तो ये कैसे हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। वो भी कैसे? पैरेलल वेक्टर्स। वो भी कैसे? पैरेलल वेक्टर्स। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि इनको अगर हम देखें तो एक दूसरे के हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप एक दूसरे के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर्स है। सपोज अभी ब्लॉक का ही एग्जांपल लेते हैं, एक फोर्स मैंने यहां से लगाया F1 और दूसरा फोर्स अगर आप बिल्कुल इसी के ऊपर लगा रहे हो F2, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। सपोज ये पहला वाला 5 न्यूटन का, दूसरे वाला आप 10 न्यूटन का लगा रहे हो F2, बट सेम ही लाइन पे लगा रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम है इनकी। ऐसे नहीं है कि एक वेक्टर ऐसे लग रहा है और दूसरा ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो ये पैरेलल आ जाते हैं, अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो ये एंटी पैरेलल। लेकिन रहेंगे किसकी कैटेगरी में? कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में। एंटी पैरेलल कैसे? मान लो अगर यही फोर्सेस ऐसे लग रहे होते, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होता, F1 5 न्यूटन और F2 कितना? 10 न्यूटन, तो ये कैसे होते? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन ये किस में आते हैं? कोलिनियर में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है, F1 भी ऐसे लग रहा है, F2 भी ऐसे लग रहा है, सेम लाइन के अराउंड। ऐसे नहीं कि F2 ऐसे आ रहा है, F2 ऐसे आ रहा है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं होंगे। आ रही है बात समझ? बट ये कैसे हुए? एंटी पैरेलल। कैसे हुए? एंटी पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, वो कोलिनियर कैटेगरी में आएंगे। वो पैरेलल भी हो सकते हैं, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी लग सकते हैं, ये भी कोलिनियर है, वो ऐसे भी लग सकते हैं, ये दोनों भी कोलिनियर है, वो ऐसे भी हो सकते हैं एंटी पैरेलल, ये भी कोलिनियर है, वो ऐसे भी लग सकते हैं, ये भी क्या है? कोलिनियर है। ये चारों कंडीशन में ये वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। आ रही है बात समझ? ग्रेट। बढ़े नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ। अब हम देख रहे थे नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। देखो अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ? ए बी वेक्टर। क्या हुआ? ए बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, सपोज ये जो कैप है मार्कर की, ये आपका एरोहेड है, ध्यान से समझना। अगर इसी वेक्टर को, इसी वेक्टर को उठाकर एज इट इज, बिना इसके कोई मैग्नीट्यूड में चेंज किए, कुछ भी चेंज किए, एज इट इज अगर मैं इसको उठा के ऐसे प्लेस कर दूं, जस्ट क्या कर दूं, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑपोजिट वेक्टर कह सकते हैं। तो अगर यही वेक्टर बी से ए बन जाएगी तो ये बी वेक्टर है। अगर यही बी टू ए आ जाए, कोई इसके हम मैग्नीट्यूड में चेंज ना करें, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये क्या बनेगा? बी ए वेक्टर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी के ऊपर उल्टा वेक्टर लगा दो, वेक्टर कभी उल्टा नहीं होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है इन्हीं का, पॉइंट्स का। सो बी ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम ए बी और बी ए को अगर कोरिलेट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो ए बी ए वेक्टर है वो ए बी का जस्ट क्या है? ऑपोजिट है। जस्ट ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, बट जस्ट उसका क्या है? ऑपोजिट है। आ रही है बात समझ? आ रही है? ओके। अच्छा एक चीज मुझे और याद आई, अभी जो हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े थे उनमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक एग्जांपल से समझ लेते। सपोज ये F1 फोर्स है 5 न्यूटन का, F1 फोर्स है 5 न्यूटन का और F2 फोर्स है 10 न्यूटन का, F2 फोर्स है 10 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो ये पैरेलल में काउंट होंगे, पैरेलल भी हो गए, कोलिनियर भी हो गए। तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इसमें अगर मैं इन दोनों के बीच एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना चाहूं, सपोज ये ए बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया? सी डी वेक्टर। क्या हो गया? ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, F1 F2 वेक्टर भी लिख सकते हो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो F2 वेक्टर है, F2 10 न्यूटन का है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, F2 जो वेक्टर है वो 2 into F1 वेक्टर के इक्वल है,
एफ टू वैक्टर जो है वो टू इंटू एफ वन वैक्टर है, यानी कि जस्ट इसका क्या है डबल है, एफ वन का जस्ट क्या है डबल है, 10 न्यूटन है या 5 न्यूटन है। That means, अगर कभी भी आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। ये वेक्टर उसके साथ ये एक टू क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हमेशा उसके साथ क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एफ वन वेक्टर है इट इज एफ टू वेक्टर इज म्यू एफ वन वेक्टर, F2 vector is equals to mu F1 vector, mu यहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई scalar quantity होगी। यही अगर ये anti-parallel होते, अगर ये anti-parallel होते, तो हम इसको क्या लिखते हैं? Anti-parallel होते तो क्या लिखते हैं हम इसको? F2 vector, suppose ये F2 vector होता और ये F1 vector, तो हम इसको लिख सकते थे F2 vector is negative mu of F1 vector, negative mu of F1 vector। इसका देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई अगर किसी का मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है तो उतने उतने का मल्टीपल हो जाता है। ये जैसे इसका 2 times था तो यहाँ पे 2 एज अ स्केलर यूज हो गया, ये 3 times भी हो सकता था, 4 times भी हो सकता था, 1.5 times भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट हम उसको उसके स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ? ओके, बड़े नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ, बड़े नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ। उसके बाद आता है पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स हैव स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्शन और स्पेसिफिक इनिशिएटिव पॉइंट, कोई इनका जो एक पॉइंट ऑफ एक्शन है वो स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या एक्शन भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ एक्शन। अगर इनका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज होता है तो फिर इनका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, ये बॉटल है मेरे पास, अब इसमें फोर्स लगाऊंगी, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखूंगी, मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज करूंगी। यहां पे मैंने फोर्स लगाया, कुछ नहीं हो रहा है, बॉटल मूव नहीं कर रही है। मैंने यहां पे फोर्स लगाया, बॉटल थोड़ी सी बेंड हुई है, थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं तो ये थोड़ी सी और ज्यादा बेंड होगी, यहां पे फोर्स लगाऊं तो ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ। तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, उतने में ही रिजल्ट भी चेंज हो गया, कहीं पे बॉटल बेंड हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है। तो ये किस तरीके का वेक्टर हो गया? पोलर वेक्टर। कैसा वेक्टर हो गया? पोलर वेक्टर। अगर बात करें किसी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की, किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर आप ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो आपका ए पॉइंट ही इनिशियल पॉइंट होगा और बी क्या होगा? फाइनल पॉइंट। ऐसे नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप यहां से भी स्टार्ट कर दो इसकी इंफॉर्मेशन देना, आप इसको भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, नहीं ले सकते। तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा? ए रहेगा। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर्स। इनको हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स भी कहते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। अगर आपने वो लोकेशन चेंज कर दिया, पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, तो उनका रिजल्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी के ऑपोजिट होते हैं फ्री वेक्टर्स। इसी के ऑपोजिट क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स, जिनमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट एक या लोकलाइज्ड पॉइंट नहीं होता। इनको आप कहीं से भी वेक्टर्स को कहीं भी, आप सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है, आप कहीं से भी इनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेनली लोकलाइज्ड वेक्टर्स होते हैं, और बाकी जिनमें स्पेसिफिक लोकेशन हमें जरूरत नहीं पड़ती वो सब किस में आते हैं? फ्री वेक्टर्स में आते हैं। अरे बात समझ, वेलोसिटी है वो भी क्या है? फ्री वेक्टर है। आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है कि इस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी बताने की जरूरत नहीं है आपको। सो इट इज नॉट लोकलाइज्ड। आ रही है बात समझ? फ्री वेक्टर्स। उसके बाद हमारा एक आता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा 10th class में, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा होगा, वहां पे आपने एक राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा होगा। राइट हैंड थंब रूल में आपने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो डायरेक्शन कैसे होती है, हम थंब रूल से देते हैं, थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स क्या करती है? कर्ल करती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके रोटेशनल मोशन को समझाने के लिए हमें इन एक्सियल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और इन एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस एक्सिस के अलोंग होती है जिस एक्सिस के अलोंग कोई भी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कोई भी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सो दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स। आ रही बात समझ? बहुत छोटी छोटी बातें ही है, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये हर जगह हमारे पास यूज होने वाला है। यूनिट वेक्टर देखो, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक कोई भी अगर वेक्टर होता है, सपोज ये ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, एक तो इसका मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन, किस किस की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो बेटा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, वन हो जिसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। ये एन कैप मैंने लिखा है क्योंकि बेसिकली हम यूनिट वेक्टर को एन कैप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक टर्म और उसके ऊपर अगर हमने कैप लगा दी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप ए कैप भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ए कैप। तो ये ए कैप आपको डायरेक्शन बताएगा किसकी, ए वेक्टर की। जैसे सपोज अगर यहाँ पे ये कोई वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने बोल दिया कि ए वेक्टर है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि हाँ ये कोई ए वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो आपको कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर बताएगा। कौन बताएगा इसका यूनिट वेक्टर, ए कैप। तो सपोज मान लो ये कुछ इस तरीके से है, तो अगर इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है, ये कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही आपको, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, ए कैप यूनिट वेक्टर देगा। आ रही बात समझ। अगर आपको इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप मोड में भी लिख सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो आप उसको मोड में भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपल ए ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्शन बतानी है किसी वेक्टर की, वो किसकी फॉर्म में बताओगे, आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताओगे। और यूनिट वेक्टर किसकी फॉर्म में बताओगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये एक तरीके से यूनिट पार्ट होता है किसी भी वेक्टर का। सपोज यहाँ पे ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मैं इसको कितनी यूनिट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, अगर यूनिट ही लेके चलूँ तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, इस तरीके से कितने में डिवाइड कर सकती हूँ, 10 यूनिट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। किस में डिवाइड कर सकती हूँ, 10 यूनिट्स में। तो इसकी एक ये जो सिंगल यूनिट होगी, ये क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर, जो हमें इसकी डायरेक्शन भी बताएगा फोर्स की, जो कि 10 न्यूटन है। आ रही थोड़ी थोड़ी बात समझ। और भी यूनिट वेक्टर को डेप्थ में देखेंगे। अगर हम बात करें तीनों एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्स वाई एंड जी, तो इन तीनों डायरेक्शन में कुछ स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि जो हमें एक्स डायरेक्शन बताता है, उसको हम लिखते हैं आई कैप से। किससे लिखते हैं, आई कैप से। किससे लिखते हैं, आई कैप। y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लिखते हैं j कैप से। किससे लिखते हैं, j कैप। और जो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, k कैप। तो i j k, x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप। ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स। जैसे a वेक्टर का यूनिट वेक्टर a कैप था, उसी तरीके से x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i कैप। y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, j कैप। z डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, k कैप। इनको हम बेस वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस वेक्टर्स। तो आपका यूनिट वेक्टर अगर वही तीनों डायरेक्शन में अगर हम स्पेसिफाई करें, x y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स में अगर हम स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स की बात करें, तो वही क्या बन जाते हैं, बेस वेक्टर्स बन जाते हैं। सो ऑल थ्री आर दीज बेस वेक्टर्स। ये क्या है, बेस वेक्टर्स हैं। आ रही है बात समझ। ओके, ये आई कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। कोई बात नहीं, आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे सब बेजे में घुसता जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो हमें समझ में ना आए, सब समझेंगे हम। उसके बाद कौन छूट गया भाई, और कौन कौन से वेक्टर्स रह गए, यस नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्ररी। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन
आर्बिट्ररी। अभी आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब देखो जीरो वेक्टर को कैसे समझना है, सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक आपके पास इसी का ऑपोजिट वेक्टर है नेगेटिव ए वेक्टर। अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ऐड करोगे तो ये आपको क्या देंगे, जीरो, जीरो नहीं देंगे, ये आपको क्या देंगे, जीरो वेक्टर, ये आपको क्या देंगे, जीरो वेक्टर, जीरो नहीं देंगे, क्या देंगे, जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जीरो वेक्टर की या नल वेक्टर की, आ रही है बात समझ। लेकिन हाँ इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सपोज ए वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर आप ऐसे बोल दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ए ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब है आपने क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव में ले लिया, नेगेटिव में तो लिया ही नहीं, तो ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर सिर्फ आप वेक्टर्स को ऐड करो तो वो क्या देगा आपको, जीरो वेक्टर, नॉट जीरो, जीरो वेक्टर। उसके बाद हमारा रहता है पोजीशन वेक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोजीशन वेक्टर, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, देखो अगर आपने स्पेस में कोई भी पॉइंट लिया है, अगर आपने स्पेस में कोई भी पॉइंट लिए एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स आपके पास, सपोज यहां ये पॉइंट कोई ए है, इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा और जी कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। सपोज इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 2 1 1 हो सकती है, 1 2 2 कुछ भी हो सकती है, तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, एक्स पे भी वैल्यू चाहिएगी, वाई पे भी चाहिएगी और जी पे भी चाहिए। तो अगर आपको इस पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है वेक्टर की फॉर्म में, तो आप इसको लिखोगे ए वेक्टर इक्वल्स टू इट्स वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन, जो भी एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है, तो उसको हम लिखेंगे एक्स इनटू द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन दैट इज आई कैप, प्लस इट्स मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो भी इसकी वैल्यू है, इनटू द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन जे कैप, प्लस इट्स मैग्नीट्यूड इन जी डायरेक्शन, इनटू द यूनिट वेक्टर इन जी डायरेक्शन के कैप, और ये क्या हो गया, जे कैप। तो इस तरीके से जब आप विद डायरेक्शन, अब हमने क्या किया, विद डायरेक्शन इस पॉइंट की पोजीशन बता दी, और वो भी तीनों कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि हमने पूरे स्पेस में इसकी पोजीशन बता दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर। आई होप सारे टाइप्स आपको जो वेक्टर्स के हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और भी डेप्थ में हम बात करेंगे। बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो हमारे आगे इस चैप्टर में इतना ज्यादा यूज नहीं होंगे। अच्छा एक और रह गया, कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखो कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं जब ये बेसिकली फोर्स के मामले में यूज होता है, बेसिकली फोर्स के लिए, जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो या बहुत सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हो या एक ही पॉइंट पे हो, तो उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। जैसे अब ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 6 न्यूटन का लग रहा है, ये 10 न्यूटन का लग रहा है, ये 15 न्यूटन का, बट ये सारे एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये कैसे फोर्सेस हो गए, कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए, आ रही है बात समझ। तो ऐसे जो वेक्टर्स होंगे वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। सो टुडे वी हैव लर्न्ड ऑल द टाइप्स ऑफ वेक्टर, जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स हैं वो सब हमने समझ लिए किस किस तरीके के वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे। ओके सो टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वे।